एक बात बतानी है आपको, सारी हलाल शॉप्स हैं और हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। 7,000 रुपए की चिकन है, 2-3-4 चिकन हो गया जो है, ये असली है। 19,500 का अच्छा खासा खर्चा हो गया। Assalamualaikum guys, welcome to a new vlog and welcome to a very special vlog. वैसे तो मैं हर vlog के start में यही कहता हूँ कि special vlog, लेकिन आज वाकई में special vlog है, क्योंकि जब तक मेरा ये vlog आएगा तब तक रमजान आ चुका होगा। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रमजान मुबारक। तो यार आज ना इतवार है और रमजान आने में अभी सिर्फ एक दिन है या दो दिन है, जब चांद नजर आया, जब अल्लाह पाक की मर्जी है तब रमजान शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं ये व्लॉग अपलोड करूंगा तब तक तो रमजान आ चुका होगा। तो इसलिए मेरी तरफ से आपको और आपके सब घर वालों को यार हैप्पी रमजान मुबारक। अल्लाह पाक हम सबको इस रमजान में ढेर सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और जितने भी लोग हैं सबकी दुआएं कबूल फरमाए, जो जो ये व्लॉग देख रहे हों और जो बाद में देखेंगे या उनके जानने वाले सबकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमाए। तो अभी जो है रमजान आने में एक दिन है या दो दिन है, तो जाहिर बात है रमजान की तैयारी भी करनी है, और यहाँ पे कोरिया में आपको पता है कि हलाल फूड लेना बहुत मुश्किल होता है। कल या परसों को रमजान शुरू हो जाएगा और अभी तक मैंने रमजान की कोई भी तैयारी नहीं की। वैसे तो यार मेरे शहर में भी हलाल शॉप्स हैं, 2-3 हलाल शॉप्स हैं, और पाकिस्तानी भाइयों की भी हैं और किसी मतलब उज़्बेकी भाइयों की भी हैं, लेकिन मेरे शहर के बराबर में एक और शहर है, उसका नाम है गीमे सिटी। गीमे सिटी के अंदर यह है कि बहुत सारी माशाल्लाह मतलब 10-12 हलाल फूड की शॉप्स हैं, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम जो है मोस्टली मैं और मेरा भाई वहीं से सामान लेते हैं। वहाँ से एक फ़ायदा ये भी होता है कि वहाँ से हमें थोड़ा सा चीप मिल जाता है, और साथ ही साथ ये है कि वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक नेशनल फूड होता है, शाम के मसाले होते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी मलका वगैरह जितने भी हैं पाकिस्तानी, वो सब वहाँ पर मिल जाते हैं, पाकिस्तानी राइस वगैरह। और एक और गीमे सिटी का फ़ायदा ये होता है वहाँ से आपको फ्रेश मीट मिल जाता है, और फ्रेश मीट लेना कोरिया के अंदर हलाल बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम गीमे शहर से लेके आते हैं, थोड़ा सा दूर है, लेकिन फ़ायदा उसका ये है कि वो थोड़ा चीप भी होता है, सस्ता भी होता है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू माई सिटी, और वहाँ से और भी बहुत सारे सामान मिल जाते हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, और इस व्लॉग के अंदर मैं आपको सब बताऊँगा कि कोरिया के अंदर हलाल फूड कितने का मिलता है, मतलब मसाले कितने के होते हैं, चिकन कितने का मिलता है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ आप ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं ले सकते, सब्ज़ियाँ यहाँ पर हमें क्या क्या अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी सब्ज़ी थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ये है कि क्या क्या मिलती है वो भी आज इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा, और गेम शेयर का टूर भी करा दूंगा। तो चलिए अभी मैं भाई की तरफ जाता हूँ, भाई को भी रिसीव करते हैं, क्योंकि भाई ने भी सामान लेना है, मैंने भी सामान लेना है, तो आज आपको ये सारी चीज़ें भी दिखा देंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दें, आपका भाई यहाँ पर ब्लॉग बनाता है इस चैनल पर। अगर आप तक ये वीडियो पहली दफ़ा आ रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब कर ही देते हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। साथ अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली शेयर कर दीजिएगा। और अभी आप चलते हैं गीमे, और वहाँ का सिटी का भी आपको टूर कराते हैं, और साथ ही साथ सारी चीज आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जी मैं आ गया हूँ भाई के घर, अब मैंने भाई से मिलना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें चलो भाई भी, भाई अब व्लॉग बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे मिनी व्लॉग्स, तो आप भी जाएं और व्लॉग देखें। ये मेरी शहजादी खड़ी है, हम भाई की गाड़ी में जाएंगे। अच्छा जी, हम लोग अभी पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, मार्केट की तरफ जाते हैं। अच्छा गीमे के अंदर ना आपको फॉरेनर्स ज़्यादा नज़र आते हैं यार, कोरियंस कम नज़र आएंगे आपको, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, स्पेशली मुस्लिम फॉरेनर्स, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली शॉप्स हैं इस मार्केट के अंदर मुस्लिम्स की हैं, मतलब हलाल शॉप्स हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स होते हैं। आज इतवार है तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ और आपको दिखाते हैं। फिर रहे हैं टर्किश कबाब, इस्तंबुल कबाब के नाम से NBPQ। यहाँ पे हमें एक और फॉरेनर्स मिले हैं, ग्रेस वकास द ग्रेस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है वेगू, आप भी इधर आए हो? अस्सलाम वालेकुम, मैंने यही बताया कि ये फॉरेनर्स का शहर है ये। चलें फिर, आप भी सामान लेने आए? हम भी सामान लेने आए, चलें और आ जाए। कैसे यार? बस मैंने सुना है कि वकास आ गया है यहाँ पे हमारे शहर में, दावतें करनी पड़ेंगी इसकी, इसलिए जो है सामान लेने हैं। रश चेक करें यहाँ पे फॉरेनर्स की, ये सारी हलाल शॉप्स हैं और हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, ये हलाल रेस्टोरेंट है, ये हलाल शॉप्स हैं, यहाँ पे आप सामान वगैरह गोश्त वगैरह ले सकते हैं, ये हलाल रेस्टोरेंट है, हलाल शॉप है, ये यहाँ से भी आप सामान ले सकते हैं। ये सारी शॉप जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट और हलाल फूड मार्ट हैं। चलिए इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके अलावा वो एक यहाँ पे आगे कड़ी नाम से एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर भी जो है ये तुर्किस्तान रेस्टोरेंट है, ये तुर्की का है, ये भी एक हलाल रेस्टोरेंट, दिलशाद जो भी नाम है ना भाई,
और इसके अलावा ये चेक करिए पूरी मार्केट, यहाँ पाकिस्तानी भी घूम रहे हैं, श्रीलंकन्स घूम रहे हैं। हम जो सामान लेते हैं वो ये मार्ट है, केड्रीम नाम से एशिया मार्ट, और इसके अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन जितना भी पाकिस्तानी सामान है वो यहाँ से हमें मिल जाता है। तो ले राजी, आज रश है यहाँ पे, ये चेक करें। चलें जी, चिकन। ये चिकन इसकी प्राइस क्या है? ये 7,000 रुपये की चिकन है। एक, दो, तीन, चार, चार चिकन हो गई, पूरा महीना चल जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे फैनियाँ रखी हैं यूनाइटेड किंग्स की। इस पर तकरीबन देखें ये समोसे रखे हैं, पंजाबी समोसा, उसके अलावा रोल रखे हैं, स्प्रिंग रोल्स, पराठे रखे हैं, रोटियाँ रखी हैं, सब बनी बनाई। मुझे जो यहाँ से लेनी है वो स्प्रिंग रोल्स लेनी है, मुझे मेज़बान के स्प्रिंग रोल्स पसंद हैं, ये वाले, ये देखें स्प्रिंग रोल्स। ये भी हो गया, कार्ट तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, अब दूसरा लेते हैं। इसके अंदर मसाले, दाल वगैरह जो भी है रखनी है। यहाँ पे हर वैरायटी की आपको दाल मिलेगी, ये देखें तूर की दाल है, ग्रीन पीस है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, और ये दाल चना है, ग्रीन पीस है, इसके अलावा इसको कहते हैं रेड किडनी, जो भी मुझे नाम नहीं पता, मसूर की दाल क्या कहते हैं, नहीं ये लोबिया है, रेड लोबिया, वाइट चने, वाइट चने, इसके अलावा वाइट लोबिया, ब्लैक चने, एक और चने की दाल, चने की दाल, मिक्स दाल, उसको कहते हैं राजी, मसूर की दाल। तकरीबन दाल की हर वैरायटी आपको मिलेगी, मूंग की मिलेगी, माश की मिलेगी, और क्या कहते हैं उसे, उड़द की दाल, उड़द की दाल। वगैरह कुछ मेरे घर पड़ी हैं, लेकिन कुछ जो लेने वाली हैं वो मैं ले लेता हूँ। एक तो मुझे चना लेना है, वाइट चने लेने हैं, उसके अलावा ब्लैक चने, ब्लैक चने पड़े हैं, मैंने पिछले महीने नहीं बनाया तो वो मेरे पास पड़े हैं, और ये मसूर की दाल मैंने लेनी है, और मूंग की दाल लेनी है। दाल जो है वो ले लेते हैं, ये भी इसकी दाल है, इसकी प्राइस जो है मैं बाद में सारी आपको बता दूंगा बिल बनवा के, फिलहाल ये ले लेते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मुख्तलिफ वैरायटीज की डेट्स पड़ी हुई हैं, खजूरें जो इसे कहते हैं, सऊदी अरब से आई हुई हैं, कुछ दुबई से आई हुई हैं, ये सारी मुख्तलिफ वैरायटी की, यहाँ पे तकरीबन एक ही कंपनी की रखी है, लेकिन अगर आप कहीं और जाएं, अजवा, ये अजवा असली अजवा है, ये बंदा ले लेता है, ये अजवा आ गई है, नहीं ये असली है, और ये देखें यहाँ पे पानी पूरी, गोलगप्पे जिन्हें हम कहते हैं वो रखे हैं, बाकर खानी रखी है, सब रखे हैं, अचार रखे हुए हैं, ये देखें सोन पापड़ी रखी है, उसके अलावा ये जितने भी किस्म के मसाले हैं, सॉसेस हैं, केचप है, केचप मुझे चाहिए, केचप एक ले लेते हैं, टोमाटो केचप ये एक आ गई है, उसके अलावा मसाले, कुमिन सीड मेरे पास पड़ा हुआ है, ये दूसरे मसाले, लज्जत का स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड, वनीला मुझे चाहिए, ये वनीला कस्टर्ड, और ये गरम मसाला वगैरह, यखनी पुलाव, ये सारे मसाले मेरे पास कुछ सारे पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट। चाट मसाला तो राजी जाएगा ही, तीन ही रखे हुए हैं, तीन ही डाली है रखी हैं, खीर एक डब्बा रखा है मेरे पास, एक और ले लेते हैं। देखें केकरस भी रखे हैं डिफरेंट वैरायटीज के, ये प्राण, ये बांग्लादेश की कंपनी है, यूनाइटेड किंग्स पाकिस्तान के केकरस रखे हुए हैं, और ये रीगल, ये मेरे ख्याल से इंग्लैंड से आते हैं राजी, ये वाले है ना, इस पे झंडा कौन सा छपा हुआ है, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ओरियन जो है ऑलमोस्ट लामियन हराम होती है, लेकिन अब ये देखें ये जो ये इंडोनेशिया वाली होती है ना, इंडो टाइम या इंडो लिमी जो भी नाम है, इंडोमी, और ये सेलेरा पेदस, ये हलाल वाली होती हैं जो इंडोनेशिया से आई होती हैं मोस्टली, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी हराम भी है, क्योंकि और कंट्रीज के भी हैं, नेपाल वगैरह और थाईलैंड वगैरह का सामान भी रखा है, तो उन कंट्रीज की जो है हराम है, बाकी जो है हलाल भी हैं। यहाँ पे मैं जो हूँ ये वाली खाता हूँ, ये वाली अगर आपने कभी ट्राई की हो, पाकिस्तान में भी ये मिलती है, चिकन करी फ्लेवर, ये जो है बाकी जो है इंडोनेशियन लामियन से, ये वाली मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें दानेदार की पत्ती, और ये भी दानेदार, ये क्या येलो लेबल टी, ये टपाल दानेदार है, ये येलो लेबल दानेदार है, हम जो यूज़ करते हैं वो येलो लेबल की करते हैं, तो ये मैं दो ले लेता हूँ, क्योंकि फिर पूरा महीना चल जाएगी। ये आपका भाई चाय शौक से पीता है, अब रमज़ान आएगा तो एक सुबह को पीनी पड़ेगी, एक शाम को पीनी पड़ेगी, तो इसलिए चाय ज़्यादा पीते हैं, तो पत्ती इस्तेमाल होती है, तो मैंने दो ले लिए पत्ती। उसके अलावा ऑयल वगैरह मेरे पास रखा हुआ है, ऑयल लेना है, ऑयल लेना है, ऑयल लेना था, कौन सा फ्राई वाला या ये फ्राई के लिए, पकोड़ों के लिए या ये ठीक है, प्रीमियम पकौड़ों के लिए तो ये ठीक है ना, पकौड़े तलना है, पकौड़े भी तलने हैं, वो निकाल के रखा हुआ मैंने, और एक बेशक फॉर्चून का 19,500 का, ये मैं आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा।
ओए वजनी हो गए काफी। ओए इधर से चलते हैं, इसको यहीं रखते हैं। यहाँ पे राइस रखे हैं, चक्की आटा, कोई इंडिया से आया कोई पाकिस्तान से। ओ बेसन नहीं है ये वाला, ठीक है ग्राम फ्लोर। अच्छा आप बेसन ग्राम कहते हैं। पेट फुल हो गई है जो है। ये दो और ले लिए मैंने, लैम का गोश्त है, लैम का नहीं गोट मीट है, हलाल गोट मीट। ये दो ये उठा लिए। गाड़ियाँ आपने इतनी दूर लगवा दी हैं। वर्जिश का भी और सामान भी तो लेना है। दिया ये हम तीन बंदे हैं, तीन बंदों ने दो मेरे एक आसिम भाई वालों का, ये दो जफर भाई के। अभी हम आए हैं ट्रेडिशनल सरमनी फूड स्ट्रीट। ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कंट्री का झंडा भी लगा हुआ है। पाकिस्तान का भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, इंडिया का भी दिखाऊंगा, और वियतनाम का लगा हुआ है, ये इंडोनेशिया का लगा हुआ है, नेपाल के सामने लगा हुआ है, वो इंग्लैंड का लगा हुआ है। तो तकरीबन हर कंट्री का यहाँ पे लगा हुआ, और बहुत बड़ी मार्केट है। ये देखें ये इतनी बड़ी ये जो है यहाँ की स्ट्रीट मार्केट है, लोकल मार्केट। यहाँ पे आपको फूड मिलेगा, फ्रेश फूड, फ्रेश सब्जी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे लहसुन है, चुकंदर है, गाजर है, टमाटर हैं, ये फ्रेश यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जी पड़ी है। ये क्या कहते हैं, तोरी पड़ी है, करेले पड़े हैं, मिर्चें देखें कितनी वैरायटी की, भिंडी पड़ी हुई है वो सामने, भिंडी ये सामने, भिंडी भी रखी हुई है। ये इनको पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब ये करेला फ्रेश, हरा धनिया बहुत कम जगहों पर मिलता है, यहाँ पर हरा धनिया भी मिल रहा है आपको, आलू वगैरह हैं, ऑयल वगैरह भी हैं। ये पाकिस्तानी टाइप की तोरियाँ हैं, ये बैंगन हैं, कच्चे बैंगन। अब मैंने जो लेने हैं, मैं ये लहसुन ले लेता हूँ फ्रेश। एक्चुअली मैं ये कोरियन मार्ट से भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन इस मार्केट का फ़ायदा ये होता है, ये कोरियन मार्ट से नॉर्मली थोड़े से सस्ते होते हैं और यहाँ पर फ्रेश भी ज़्यादा होती है। यहाँ से सब्ज़ी लेते हैं, अब हमें यहाँ से सब्ज़ी लेनी है, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। अभी इन्होंने तो ये अनियन वगैरह लिए हैं, लहसुन पे ये देखें कितना सारा फ्रूट रखा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के ग्रेप्स, छोटे छोटे ऑरेंजेस, ये चेक करो, मैंगोज, ये थाईलैंड का मैंगो होता है ये, हाँ थाईलैंड का मैंगो होता है, और हमें ये पसंद नहीं क्योंकि बहुत इसका फीका होता है। पाकिस्तान हमारा जो एरिया है सिंध का एरिया, वो बहुत ही मीठे होते हैं, तो हमें जो है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आते। उसके अलावा ये रखे हैं ऑरेंजेस, रखे हैं मैं एप्पल, रखे हैं ग्रेप्स, नाशपाती क्या कहते हैं, जापानी फल सॉरी, ये वाले अंगूर बहुत मीठे होते हैं। अच्छा जी यहाँ पे देखें चिकन रखी हुई है, ताज़ी बत्तख रखा हुआ है कटा हुआ, ले गए यहाँ पे। ये देखें इन्हें पता नहीं आप क्या कहते हैं, कुछ लोग इन्हें स्टार्स कहते हैं, कुछ लोग इन्हें हम तो पाए कहते हैं, चिकन के पाए। लेकिन इनका मसला ये हलाल नहीं होते, तो हम ये नहीं ले सकते, हम सिर्फ हलाल लेते हैं, फ्रेश होता है, फ्रेश भी मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पे इस शहर में नहीं मिलता, वो आपको जो है क्या कहते हैं फार्म्स पे जाके खुद लेनी पड़ती है, वहाँ से फ्रेश लेनी पड़ती है। ये देखें पाइनएप्पल वगैरह रखे हैं, गोभी रखी है, और भी सारी काफ़ी सारी चीज़ें। ये देखें सामान उठा के जा रहे हैं, और अभी यहाँ पे फिशेज भी मिलती हैं आपको, फ्रेश फिश भी मिलती है, ये फ्रीज भी है। उसके अलावा ये सब्जियों की दुकान है, कच्चे आम हैं, और भी बंदा आगे जाए। ये देखें फ्रेश सब्जी सामान, ये पालक रखी है, मैंने पालक भी लेनी है, और पालक धनिया भी लेना है, धनिया कहाँ है, ये धनिया रखा है, ये ठीक लग, धनिया थोड़ा भी है, थोड़ा भी वो वहाँ पीछे ज़्यादा मिल रहा था, तीन छोन का मलक ने इतना ज़्यादा लिया है, धनिया रहने है ना, धनिया थोड़ा है, ये मिंट नहीं मिल रहा, पुदीना नहीं मिल रहा यार। चलें ये पालक ले लिया, पालक थोड़ी अच्छी नज़र आई थी मुझे, मैंने वो ले लिया। भाई बहुत ज़्यादा सामान हो गया, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, आधा सामान हमारा वहाँ रखा है, यहाँ से भी जो है ना काफ़ी सामान ले लिया, आज अच्छा खासा खर्चा हो गया। और अभी समझ लो कि नॉर्मल जो दूध वगैरह वो लेने हैं, वो मार्ट वगैरह से लेते हैं, करीबी मार्ट से, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया इस महीने। ये सामान बहुत ज़्यादा था और गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी, तो मैं और वकास यहाँ बैठ गए, जफर भाई और आसिम भाई गए गाड़ी लेने, वो गाड़ी लेके यहाँ पे आएंगे, और फिर यहाँ से हम सारा सामान लोड करके बराबर में शॉप पे भी सामान रखा वो भी रख के यहाँ से फिर हम जाएंगे अपने घर की तरफ। अच्छा जी सामान ऑलमोस्ट मैंने सारा ले लिया है, भाई वालों ने भी ले लिया, आसिम भाई ने भी ले लिया। अभी जो है यहाँ पर जब भी हम घी में आते हैं तो यहाँ पर इस्तंबुल कबाब से पिलाफ लाजमी खाते हैं, आज हमने वो तो नहीं खाना लेकिन मैंने लेना है, पार्सल करवाना है। गीमे में हम जब भी आते हैं तो स्पेशली इनका जो है पिलाफ हम लाजमी खाते हैं, तो आज मैं आया हूँ और इनसे बस पार्सल करवाऊँगा और फिर अपने घर की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम,
जब भी आता हूँ तो यहाँ पे चिकन पिलाफ लाजमी लेते हैं, कई बार लैम का भी खा लेते हैं। मुझे जो जाती पसंद है वो चिकन पिलाफ पसंद है, ये यहाँ की काफ़ी फेमस है। वो देखें सामने शवार में बन रहे हैं और ये यहाँ पे पार्सल कर रहे हैं। अभी ये हमने क्या दे दिया, अब इससे बस ठीक करवाते हैं। 22,000 रुपीज़ इसके बने हैं, तो पिलाफ कबाब के पिलाफ भी ले लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं वापस की तरफ, वापसी बस भाई की गाड़ी में बैठना है, सामान रखना है, सामान रख के और फिर हम चले जाएंगे। और रश आज इंतहा का रश है यार, माशाल्लाह आज इतना ज़्यादा रश है क्योंकि जितने ही मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे आसपास के शहरों में, सब यहीं पे आते हैं और सब यहीं से सामान लेते हैं। और इसी वजह से जो है ना आज रश है, क्योंकि कल रमज़ान है तो उस वजह से काफ़ी रश है। चेक करें कितना सामान लिया है माशाल्लाह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक नीचे रखी 10, 11, 12 और भी हैं सामान, और सब्जी वगैरह भी कुछ रखी है पीछे, और अभी आटा भी लेके आ रहे हैं जफर भाई। तो इतना सारा सामान माशाल्लाह लिया आज अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये भी हमारा खाने के लिए हमने लिया है, ये वाला सामान इसको भी यहीं रख देते हैं। और भी काफ़ी शॉप्स हैं, तो यही एक वजह है जिसकी वजह से गेमे सिटी में इतनी ज़्यादा रश होती है। और आज हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आपको मैं रेट्स वगैरह बता दूँगा, मेंशन जब वीडियो एडिट करूँगा तो उसमें मैं डाल दूँगा। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और रमज़ान भी शुरू होने वाला है, तो अल्लाह पाक हम सबको सारे रोज़े रखने की तौफीक दे, और हमें मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुद बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।